नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे थे। मैंने पहले लेक्चर में बेसिक आपको बताया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं से संबंधित प्रश्न। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाएँ तो वस्तुओं से संबंधित प्रश्न जरूर मिलता है। लाभ हानि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इसी प्रकार का होता है और सबसे अधिक ये पूछा जाता है। तो आज वस्तुओं से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या मैंने पहला प्रश्न लिखा है, एक व्यापारी 2 रुपए के 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 3 रुपए के 2 की दर से बेच देता है। कहने का मतलब, एक व्यापारी है, वो वस्तु खरीदने गया तो 2 में 3 खरीद के लाया, लेकिन बेचते वक्त उसने 1 वस्तु की बचत कर ली। दोस्तों, किताबें कहती हैं, आपकी बुकें कहती हैं कि इसके लिए आप एक तरफ वस्तु लिख लीजिए और एक तरफ मूल्य लिख लीजिए। तो इसके अनुसार उसने 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदी और 3 रुपए में 2 वस्तु बेची। सबसे पहले इसका गुणा, अर्थात 3 गुणे 3, तो ये 9 हो गया, माइनस इसका गुणा, 2 दुनाई 4 हो गया, और बटे में हमेशा इसी से तुलना करते हैं, मतलब ये दूसरी वस्तु और पहला मूल्य से। परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 100 से। दोस्त, 9 में से 4 गया तो 5/4 आया और गुणे 100 आया। जब आप 4 से 100 को काटे तो 25 आया और 25 का आप 5 में गुणा किए तो 125 आया। मेरे दोस्त, अगर आपको ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है और निगेटिव आ रहा है तो लॉस है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जब हम इसे करने लगते हैं तो आपका होता यूँ है कि भूल जाते हैं, इसको रखने के बजाय ये रख दिए तो उत्तर गलत हो जाता है। आइए हम दूसरा मेथड बताते हैं, प्लीज इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कास्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। आप मार्केट गए, आपने 2 रुपए की 3 वस्तु खरीदी या 2 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, तो 1 टॉफी कितने की पड़ेगी, 2/3 की, ये आप ऐसे भी जानते हैं। यदि मैं 2 रुपए में 3 टॉफी खरीदता हूँ तो 1 टॉफी 2/3 की, और मैं अपने पड़ोस में लाके बेच दिया 3 रुपए में 2 टॉफी, तो 1 टॉफी कितने की, 3/2 की। अर्थात मैं 1 वस्तु खरीदा हूँ 2/3 की और 1 वस्तु बेचा हूँ 3/2 में। लेकिन मित्र, जब हम ये बांटने लगते हैं तो हमको घटाने में दिक्कत होती है, भिन्न है, तो हम वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। वस्तुएं बराबर मतलब हर का लासा ले लेते हैं। आपके हर का लासा आ गया 6, तो 6 वस्तु खरीदा और 6 ही बेचवा दीजिए। 3 दुनाई 6 4 रुपया खरीद है और 2 तिहाई 6 9 रुपये में बेचा गया है। आप कोई भी चीज़ 4 में खरीद के 9 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 5 रुपये का कैसे पता, इनका अंतर लिया। 4 में आप कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं और 9 में बेच देते हैं तो 5 का लाभ है, कितने पर, 4 पर, और गुड़े क्या, 100। जब आप इसे हल करेंगे तो ये 25 आया और 5 से करेंगे तो 100 कितना, इसका प्रॉफिट क्या है। भाई, ये वाले से करें तब भी आ रहा। दोस्त, यहाँ गलत होने का चांस 0 है। रीजन, अगर आप 4 का खरीदे हैं 9 का बेच रहे हैं तो खुद बता रहा है कि मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, अर्थात लाभ है। तो दोस्त, इसको ऐसे ही करते हैं, दोनों में से जो टाइप आपके समझ में आए आप उसे उठाइए। प्रैक्टिस के तौर पर मैं 2-3 प्रश्न आपको अभी इसी वक्त करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, एक व्यापारी 3 रुपए के 5 की दर से वस्तुएं खरीदें और उनने इन वस्तुओं को 2 रुपए के 3 की दर से बेच दिया, तो इस सौदे में लाभ, अब देखिए जैसे कभी कभी ज्ञात नहीं होता कि लाभ होगा या हानि, तो जो भी होगा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ है तो आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, लॉस समझ ही रहे हैं। अब दोस्त, क्रय मूल्य की बात करते हैं। 3 रुपए में 5 वस्तु खरीद के लाया है, मतलब 1 वस्तु है 3/5 की। सेम टू सेम यही आदमी जितनी वस्तु खरीद के लाया था उसे बेच रहा है 2 में 3, तो 1 वस्तु कितने की, 2/3 की। वस्तु बराबर करने के लिए हम इनके हर का लासा लेते हैं, तो ये 15 हो गया, क्योंकि इसका 5 है इसका 3 है, और 5 और 3 का एलसीएम होता है 15।
मैंने हल किया। पाँच तिहाई पंद्रह, नौ की खरीद है, तीन पचे पंद्रह, दस का बेच रहा है। दोस्त, अगर आप कोई वस्तु नौ में खरीदे हैं और दस में बेचे हैं तो आपको निश्चित तौर पर प्रॉफिट होगा, वो भी एक रुपये का, वो भी नौ में और गुणे सौ। आप कहेंगे सर नौ क्यों रखा, तो मेरे दोस्त लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितना लाभ हो बटे जितनी कास्ट प्राइज है और गुणे सौ। जब मैंने इसे हल किया तो ये आ गया 11 सही 1 बटे कितना परसेंट, 9%। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसी पे आपको बताता हूँ। जो यहाँ लिखा है देखिए, एक व्यापारी ₹P प्रति दर्जन की दर से वस्तुएं खरीदता है, ₹P प्रति दर्जन की वस्तुएं खरीदता है और ₹P/8 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो इसमें उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो भी कितना परसेंट। तो कुछ करना नहीं है, जरा इधर आए दोस्त। आपको पता है एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो एक वस्तु का दाम हो गया P/12। आपसे कहा गया कि ₹P में 12 वस्तु खरीदा है, अर्थात एक वस्तु आपकी P/12। मेरे दोस्त वो बेचने की बात अपने आप ही कर रहा है कि P/8 में एक वस्तु, तो बराबर करने के लिए वस्तु हर का एलसीएम ले लीजिए। आपने इसको काटा 12 × 24 तो ये आ गया 2P और 8 × 24 तो ये आ गया 3P। आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं 2P में, बेचते हैं 3P में, तो मेरे दोस्त निश्चित तौर पर प्रॉफिट है 2-3 1P का, कितने में, 2P में और गुणे सौ। तो मेरे भाई अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम उसे करते थे वैसे इसे भी करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। XY लिखने से आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये भी हो जाएगा। अब इसी में एक टाइप आजकल और पूछा जा रहा है, प्रचलन में है, चल रहा है, तो उसे भी जान लेना चाहिए। जैसे कहता है ₹X के Y की दर से वस्तु खरीदी और Y रुपये के X की दर से बेच दिया, लाभ होगा या हानि, क्वेश्चन मार्क। और आगे एक आपको और देता है कि यदि जो है X बड़ा है Y से, मतलब कि जो XY वैल्यू रखी गई है उसमें X ज़्यादा है और Y आपका छोटा है। देखिए दोस्त, अगर आप ₹X में Y वस्तु खरीदते हैं तो एक वस्तु ₹X/Y की, और मेरे भाई आप ₹Y में X वस्तु बेचते हैं तो एक वस्तु ₹Y/X की। हर का एलसीएम आप जानते हैं, ये Y है ये X है, तो XY हो जाएगा। आप Y से Y काटेंगे तो X² होगा दोस्त, और X से X काटेंगे तो Y² होगा। वस्तु खरीदी गई X² में और बेची गई Y² में, तो दोस्त यहाँ कहता है X बड़ा है Y से, जिधर मुख खुला होता है बड़ा होता है, उसके पीछे वाला छोटा होता है। जब X बड़ा है तो यहाँ देखिए X मतलब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो ऑलवेज आपको हानि होगी, कितने की, भाई जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे, बटे कौन, क्रय मूल्य। और गुणे सौ ना लिखिए, ये प्रतिशत के रूप में पूछ रहा तो डायरेक्ट आप प्रतिशत लगा दीजिए, या गुणे सौ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि क्या दिया। तो ये पहला टाइप था, इसमें इतने ही बनते हैं। अब जैसे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ें, आप समझते रहिएगा कुछ है नहीं, ये तीनों टाइप बार बार एक बार देखिए ना आए दोबारा देखिए तिबारा देखिए, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा टाइप क्या बनता है कि एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 3 रुपए के 5 की दर से खरीदता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, 3 रुपए के 5 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं ₹2 के 3 की दर से खरीदता है।
तीन की दर से खरीदता है। दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर एक रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो लाभ होगा या हानि कितना प्रतिशत? कुछ भी नहीं है। आप इसे गौर से देखें तो वस्तुएं दो जगह से खरीद रहा है, अब जो हम एक जगह से खरीदते थे वही वस्तु हम दो जगह से खरीदेंगे। कैसे? हम केवल कास्ट प्राइस की चर्चा करेंगे, अभी हम विक्रय मूल्य के बारे में सोचेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, तीन रुपए में अगर पांच वस्तु मिलती है तो एक वस्तु मिलेगी 3/5 की, और दोस्त दूसरी दुकान पर दो रुपए में तीन मिलती है तो एक वस्तु मिलेगी 2/3 की। फिर से सुनिए, एक आदमी था तो अपने दो रिश्तेदार मिल गए, दोनों के यहां से वस्तुएं खरीदा। पहले के यहां सेम वस्तु मिलती है 3/5 और दूसरे के यहां सेम वस्तु मिलती है 2/3 से। वस्तु बराबर करने के लिए अभी पिछले में बताया कि एलसीएम लीजिए 5 और 3 का 15। यहां समझना क्या है दोस्त? यहां समझना बस इतना है कि 15 वस्तु पहली दुकान से और 15 वस्तु दूसरी दुकान से, तो आपकी 30 वस्तु हो गई, और 30 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 × 3 = 15 = 9 × 3 = 15 = 10 = 19 रुपया हो गया। एक आदमी है, 30 वस्तुएं खरीदा जिसके लिए टोटल उसने स्पेंड किया 19 रुपया। अब एक रुपए में अगर मैं एक वस्तु बेचूं तो 30 वस्तु को मैं बेचूंगा कितने में? 30 रुपया में। मेरे भाई, आप 19 में खरीदे हैं, 30 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है कितने का? 19 × 20 = 10 = 30 = 11 का। कितने पर? 19 पर और गुणे 100, ये आ गया 1100/19। 19 से भाग दें तो 19 × 5 होता है 95, 19 × 5 = 95। 500 और 10 110, 150 हो गया। 19 × 8 = 152 हो जाएगा, 150 × 152 हो गया, ज्यादा होगा। 19 × 7 ले जाइए 7 बार, तो 19 × 7 = 133 हो गया। 33 × 7 = 30। ये देखिए, अगर आपको जरा भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये देखिए, 1100 भाग दे लीजिए बेटा 19 से, 19 5 बार, ये 5 आया, 10 में से 9 गया 15, 150 आ गया। 19 × 8 = 152 होता है, तो 19 × 7 = 133 बार ले जाएंगे। 10 में से 3 गया 7 आया, यहां देखिए 4 में से 3 = 17 आया, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 57 × 17 = 19% का 19%। तो दोस्त एक ये होता है, यही दो प्रकार के प्रश्न इस तरह के होते हैं। मान लीजिए वो कहता दुगुनी वस्तुएं खरीदता है तो जहां 15 लिखा है वहीं आप 30 लिख लेते नहीं? जैसे देखिए, एक प्रश्न मैं और आपका कराऊं जिससे क्लियर हो जाए। बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, छोटे रहें आप, देखिए एकदम क्लियर हो जाए तो छोटे छोटे ज्यादा बेहतर लगेंगे। जैसे 2 रुपए की 3 की दर से खरीदा, बाद में 3 रुपए की 2 की दर से खरीदा, और बाद में 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया। पूरा प्रश्न देख लें, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए के 2 की दर से खरीदता है, दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। अब लाभ या हानि, देखें क्रय मूल्य निकालिए।
दो में तीन मिलती है तो एक मिलेगी 2/3 में, दूसरी दुकान पे ये आदमी गया 3/2 में, एलसीएम 6 आया। अब ये आदमी रिश्तेदारी के नाते दोनों दुकान से वस्तु खरीदा, पहली दुकान से 6 वस्तु, दूसरी दुकान से 6 वस्तु, तो 12 वस्तु की कास्ट प्राइस क्या आई? दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 12 आया कहाँ से? ये 6 वस्तु यहाँ खरीदा है, 6 वस्तु यहाँ खरीदा है, तो 12 वस्तु हो गया। 3 × 6 = 2 × 4, 2 × 6 = 3, 3 = 9, 12 वस्तु इसे पड़ी है 13 रुपये की। अब बेचते हैं, आप सीधे निकालिए 12 वस्तु का विक्रय। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, 3 में 5 बेचता है तो 1 बेचेगा 3/5 का, 12 वस्तु है तो 12 हो गया, तो ये हो गया 36/5, 5 × 7 = 35, 7.2 रुपया। मैं 13 रुपये में खरीदा हूं, 7.2 में बेचूंगा तो मुझे घाटा हो रहा है कितने का? ध्यान दें, 10 में से 2 गया 8 आया, 12 में से 7 गया 5 आया, 13 था 1 हासिल चला गया 12, और बटे कितना 13 गुड़े कितना 100, फिर दोस्त मुझे मिला 5800/13, 4 बार ले जाएंगे, 13 × 4 = 52 हुआ, 52 × 6 = 58 हुआ, अब फिर कितना 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर ले जाएंगे 13 × 4 = 52, या देखिए हम आपको ऐसे समझा दें अगर जरा भी दिक्कत है, 5800 होगा, एक अंक के बाद 0.580 हुआ, 13 × 4 = 52 हुआ, और ये 60 हो गया, 13 × 5 = 65, फिर 13 × 4 = 52 हो गया, और फिर 52 और कितना 60 होता है आप जानते ही हैं, 8 × 60 होता है 80 हो गया, या अब हम इसको सही में लिख देते हैं तो ये आपका आ गया 44 सही 8/13%। ठीक है, तो यही दो टाइप के होते हैं दोस्त जो आपको खास करके पढ़ने होते हैं, इन दो टाइप पे आप जम के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपका वीडियो छोटा छोटा इसलिए दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं कि आप इसे देखते रहें, छोटा देखें जल्दी समझ में आएगा, दोबारा देखें। हाँ, ये सब प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं तो एक बार दो बार वीडियो देख लें। ठीक है दोस्त, इसके आगे का अगले वीडियो में, धन्यवाद।